Hi everyone, welcome back to my channel. Agar aap yahan naye hain, if in case you are new here, please subscribe, like and share. Ye video dekhkar aap samajh rahe honge ki yes, it is going to be a red bridal makeup tutorial, guys. Shaadiyon ka time hai, maine socha kyun nahi main bhi ek experiment karu, aur maine ye gold cut crease eye makeup ke saath red lehenga pair up kiya hai. Jewelry bhi red rakhi hai kyunki ye meri saari ke saath bilkul match kar rahi thi. Let's see aapko ye look pasand aata hai ya nahi. I am ready, I am sure aap bhi taiyar hain is look ko dekhne ke liye. Aaiye shuru karte hain. सबसे पहले शुरू करते हैं अपने चेहरे को प्राइम करने से. मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया था, आई यूज्ड लैक्मे 9 to 5 लाइट मॉइस्चराइज़र. उसके बाद मैं प्राइम कर रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल से. सही सुना आपने, पतंजलि एलोवेरा जेल. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर का काम करता है, आपके पोर्स बिल्कुल फिल इन कर देगा और 5 मिनट्स के अंदर आप देखेंगे बहुत ही फिनिश्ड शाइनी लुक आपके चेहरे पर आता है. आईब्रोज़ को पहले शुरू करते हैं, थोड़ा ब्रश डाउन कर लेंगे ताकि मैं जो खाली जगह है स्पार्स एरिया से वो देख सकूं. शुरुआत करेंगे रॉक द न्यूट मेबलिन के आई शेडो पैलेट से. मैं ये डार्क ब्राउन कॉफ़ी शेड काइंड ऑफ ले रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज़ ब्लैक नहीं है ना ही ब्राउन है, सो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है उसका सही कलर चूज़ करने में. एक एंगल छोटे से ब्रश से मैं फिल इन कर रही हूँ अपने स्पार्स एरियाज़ को. बट येस, डू नॉट फॉरगेट कि स्पूली की मदद से उसे ब्रश ज़रूर कर लीजिए लास्ट में ताकि कलर पूरी अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फैल जाए. शुरू करते हैं कंसीलर से, थोड़ा आई बेस तैयार करते हैं आई मेकअप के लिए. मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. इट इज़ एन अमेजिंग कंसीलर गाइज, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ. आई मेकअप के लिए आई बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक न्यूट्रल इफेक्ट आ सके. आईलिड थोड़ी सी डार्क होती है, मैंने हमेशा ये शेयर किया अपने वीडियोस में, थोड़ा उनको स्टैंडर्ड कलर देना ज़रूरी होता है. ब्लेंड करने के बाद मैं एक वाइट लूज पाउडर से, मैं आई शेडो से ही ये वाइट शेडो यूज़ कर रही हूँ, वाइट आई शेडो से उसे कवर कर लीजिए ताकि जो फाइन लाइंस हैं आपकी आईलिड्स पर उसमें आई शेडो जाकर क्रीज ना कर जाए. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. ये नायका S23 आई शेडो पैलेट लिया है मैंने, ये मैट आई शेडो पैलेट है. यहाँ से मैंने ये लाइट पिंक शेड लिया है अपने ट्रांजिशन कलर के लिए. उसी पैलेट से डार्क पिंक कलर लेकर मैं क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ हल्के हाथों से और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी. एक फ्लफी ब्रश से ट्रांजिशन शेड और क्रीज लाइन में जो कलर है उसे साथ में ब्लेंड ज़रूर कीजिए ताकि एक फिनिश्ड लुक आए. कोई भी हार्श लाइंस आपके आईज़ पर अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि हम एक कट क्रीज करेंगे तो वो ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये डार्क शेड और मैं इसे अपने आउटर वी को कार्व आउट करने की कोशिश करूँगी. मैंने कोशिश की है यहाँ पर बहुत सारे कलर्स यूज़ करने की आज, तो एक डार्क ब्लैक कलर ले लीजिए. आप चाहे तो काजल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आप ब्लेंड कर सकते हैं उसे अपने आउटर वी को स्ट्रेच करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए. जितना डार्क चाहेंगे उतना आप कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है क्योंकि मेकअप आपका आप पे अच्छा लगना चाहिए. सो एज सून एज दैट इज़ डन, ये रहा कंप्लीट लुक. अब बारी आती है क्रीज कट करने की. छोटा सा एंगल ब्रश लीजिए, फ्लैट ब्रश भी आप ले सकते हैं और उसी लिक्विड कंसीलर से अपने क्रीज को कट करने की कोशिश कीजिए. एक स्मूथ लाइन बना लीजिए और जहाँ तक आप चाहें एक्सटेंड करना मर्ज़ी आपकी है. अगेन देखिए गाइस, मेकअप आपका है, आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए. जो कलर्स चाहिए आप मैचअप कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए. बट यस, वापस आते हैं टॉपिक पर. क्रीज पे पूरा आपकी जो आईलिड्स हैं उन पर आप कंसीलर को पूरा ब्लेंड आउट कर लीजिए और उसके बाद कोई भी हार्श लाइन मत छोड़िएगा बिल्कुल भी और उसको लूज पाउडर से सेटल ज़रूर कीजिए, वरना अभी इसके बाद जो आप अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर क्रीज भी जा करके सेटल हो जाएगा.
ओके, बारी आती है कुछ गोल्ड ऐड करने की, क्योंकि ये गोल्ड कट क्रीज ट्यूटोरियल है, इसलिए उसी पैलेट से गोल्ड शिमर शेड लेकर के मैं अपने क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ। पूरे आईलिड्स पे ये सेटल करूँगी। आप चाहें तो एक डैम्प ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने डबल कोट यूज़ करके इसे अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश की है एंड आई थिंक हो भी गया। आप चाहें तो किसी सेटिंग स्प्रे से भी अपने ब्रश को डैम्प कर सकते हैं। एजेस को ज़रूर ब्लेंड आउट कर लीजिएगा, हार्श कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। पिंक शेड को लेकर के मैं उस एज पे थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ लुक आए। अब ऐड करते हैं थोड़ा सा ब्लिंक। मेबेलिन का गोल्ड इंक आईलाइनर यूज़ करूँगी मैं इसे फिल इन करने के लिए। ग्लिटर आईशैडो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर वाला, उसे भी आप डैम्प ब्रश से इस पर सेटल कर सकते हैं, बट मेरे पास ये गोल्ड आईलाइनर था जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था एंड इट इज़ एक्चुअली ऑसम गाइस। बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, बहुत ही अच्छी तरह से ईजिली अप्लाई हो गया ये आईलिड्स पर और देखिए इट इज़ सुपर्ब, शाइन, स्पार्कल सब कुछ है इसके अंदर। अब बारी आती है चेहरे की। दी आईज आर कम्प्लीट एंड आई एम गोइंग विथ माई फाउंडेशन, फेसेस कैनेडा का रिसेंटली परचेज किया हुआ नेचुरल 02 शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आपने देखा होगा मैं हमेशा एक ब्यूटी ब्लेंडर प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे ब्लेंड बहुत ईजिली हो जाता है। ब्रशेज से आपको वो पतली स्ट्रोक फिर भी शायद नज़र आ सकती हैं, पर ब्यूटी ब्लेंडर डज द जॉब रियली वेल और कवरेज आप देख सकते हैं फाउंडेशन का कवरेज बहुत ही अच्छा है। सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन देख रहे हैं अपने लिए, आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। अंडर आइज़ को भी तो कवर करना है कि नहीं? अंडर आइज़ थोड़ी डार्क होती हैं, हम सब की होती हैं, कुछ बहुत लकी लोग हैं जिनकी नहीं होती हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। और मेरे लिप्स के कॉर्नर्स भी थोड़े से डार्क हैं, सो थोड़ा वहाँ भी अप्लाई करूँगी, फोरहेड को भी अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा शाइन करे थोड़ा वहाँ वहाँ अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद अच्छी नहीं दिख रही थी बिल्कुल, उसके बाद ब्लेंड कर लीजिए इसे और फिर देखिए क्या शाइन आती है आपके चेहरे पर। अंडर आइज़ को ब्लेंड ज़रूर अच्छे से कीजिएगा क्योंकि अगर आप दूर से देखेंगे तो वो ये नहीं लगना चाहिए कि ये अलग से चमक रहा है, अलग से एक वाइट लुक आ रहा है। अपनी तरह से ब्लेंड कीजिए, पूरा टाइम दीजिए, मेकअप जल्दबाजी में करने की चीज़ नहीं है, पूरा टाइम दीजिए, मुझे घंटों लग जाते हैं, यू वोंट बिलीव। बट यस, उस कंसीलर को सेट करना मत भूलिएगा एक वाइट लूज पाउडर से। मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर फिक्स, यस मेबेलिन का मास्टर फिक्स लूज पाउडर था ये। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे अपने कंसीलर को, उस पर क्रीज लाइंस बन जाएंगी थोड़े टाइम के बाद, वो अच्छा नहीं दिखेगा और फिर आपका फाउंडेशन केक ही नज़र आएगा। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस स्टेप गाइज। थोड़े टाइम छोड़ने के बाद ब्रश ऑफ कर दीजिए एक्सेस पाउडर को और तब देखिए क्या शाइन आती है आपके चेहरे पर। काजल मेबेलिन कलोसल, अगेन माय फेवरेट, मैं सिर्फ यही रखती भी हूँ, मुझे और कोई ब्रांड पसंद नहीं है। वाटर लाइन और नीचे की लाइन पर काजल अच्छी तरह अप्लाई कर लीजिए एंड थोड़ा सा फिनिश करते हैं इसे। अब ब्लैक आई शेडो याद है आपको जो हमने अप्लाई किया था, वही लेकर के अपने लोअर आईलिड्स पर अप्लाई कर लीजिए ताकि थोड़ा सा और थिकर आपकी आइज़ दिख सकें। चाहे तो थोड़ा सा स्मज कर सकते हैं आप, बट आज मैं इसको इतने पे ही रखूँगी। और उसी आई शेडो पैलेट से शिमरी शेड लेकर मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। बारी आ गई आईलाइनर की। दिस इज़ माय फेवरेट स्टेप और कैट आइज़ बनाना तो मेरा फेवरेट हो चुका है आजकल, बिल्कुल जब से मैंने ये सीखा है। कैट आइज़ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आउटर वी पहले बना लीजिए, फिर उसे फिल इन कर लीजिए, जितना थिक चाहें आप बना सकते हैं। बारी आती है मस्कारा की। वॉल्यूमस मस्कारा मेबेलिन से कलोसल, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया है इसका वैंड मुझे खासकर बहुत पसंद है। कर्ल्ड एप्लीकेटर है तो अप्लाई करने बहुत आसान हो जाता है। लोअर लैशेज और अपर लैशेज पे ज़रूर अप्लाई कर लीजिए और काजल से थोड़ा सा इनर कॉर्नर एक्सटेंड कर लीजिए, तो आपकी आईज एक्चुअल में कैटी आईज लगेंगी, बिलीव मी। और राइट, थोड़ा सा चीक को शेप देते हैं अपने। मैं मेबेलिन 3-in-1 कॉन्टोर हाईलाइट और ब्लश पैलेट से ये कॉन्टोर शेड लेकर अपने चीक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ पाउडर कॉन्टोर क्योंकि मैं बहुत हार्श लाइंस नहीं चाहती हूँ आज। थोड़ा सा नोज़ पर भी अप्लाई कर लीजिए, मेरी नोज़ बहुत स्लेंडर स्लिम नहीं है, सो मैं थोड़ा सा अप्लाई करके अपने हाथ से ही उसे ब्लेंड करना प्रेफर कर रही हूँ। उसी पैलेट से ये हाईलाइटर यूज़ करके अपने इनर कॉर्नर्स को थोड़ा हाईलाइट करें, थोड़ा सा शाइन करें मेरी आईज़।
जो पिंक शेड हमने यूज़ किया था आई शेडो में उसे थोड़ा सा ब्रश ऑफ कर लीजिए अपने लोअर आई लैशेज को, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आएगा। बारी आती है ब्लशर की। अगेन ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आप चाहें तो रेड ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पिंक ब्लशर यूज़ कर रही हूँ आज यहाँ पर। ब्लू हेवन का पिंक ब्लश था ये, और जितना चाहे उतना इंटेंसिफाई कर सकते हैं। आई एम गोइंग विद अ डार्कर इंटेंस लुक दिस टाइम क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है। उसी हाइलाइटर से थोड़ा अपने चीक बोन्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ। इट इज़ अ ब्यूटिफुल हाइलाइटर गाइज, बहुत ही अच्छा शाइन आता है। फोरहेड्स पर भी थोड़ा अप्लाई कीजिए, अपने नोज पर भी, ब्रिजेस पर भी, एंड डोंट फॉरगेट अपने लिप्स को भी ज़रूर हाईलाइट करना है। फिनिश करें आई लुक, आई लैशेज अप्लाई कर लिए मैंने, एंड आई एम श्योर यू विल लव द लुक गाइज। दीज आर माई ब्यूटिफुल आईज, जो आई लैशेज के बाद देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। आई होप यू अग्री। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का मरून शेड। एक्चुअली मैंने दो शेड्स यहाँ पर आज मिक्स की थी, मरून एंड रेड, एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। दिस इज़ द कम्प्लीट लुक गाइज। आई होप आपको ये मेकअप, ये ज्वेलरी और ये रेड साड़ी का कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा। ऑल टुगेदर ये रेड गोल्ड कट क्रीज आईज के साथ जो मेकअप ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। बहुत मेहनत लगी है और बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए मैंने आज, बट आई वाज सक्सेसफुल। पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। लव यू ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।